अगर आपकी भी यूरिक एसिड की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, आप यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं, तो आज हम आपको एक औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको यूरिक एसिड की समस्या से छुटकारा दिलाएगी। हम बात कर रहे हैं निर्गुंडी औषधि की। निर्गुंडी एक ऐसी औषधि है जिसका सेवन करने से आपकी यूरिक एसिड की समस्या दूर हो जाएगी। आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं या इसकी पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको यह औषधि उत्तराखंड के हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमने वन अनुसंधान केंद्र के वन क्षेत्राधिकारी मदन सिंह बिष्ट से बातचीत की। मदन सिंह बिष्ट बताते हैं कि निर्गुंडी पौधा मानव शरीर के लिए बेहद लाभदायक पौधा है। उन्होंने बताया कि यूरिक एसिड की कई लोगों को समस्या होती है। यूरिक एसिड की बात करें तो एक निर्गुंडी ऐसा पौधा है जो यूरिक एसिड की समस्या को बिल्कुल समाप्त कर देता है। मदन सिंह बिष्ट ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि निर्गुंडी पौधा यूरिक एसिड के लिए लाभदायक है। अब बात आती है इसका उपयोग कैसे करें कि यूरिक एसिड की समस्या समाप्त हो जाए। आप सुबह 4 पत्तियों का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, जिससे आपकी यूरिक एसिड की समस्या दूर हो जाएगी। 1 हफ्ते लगातार इसका सेवन करने से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप इसका काढ़ा बनाकर नहीं पी सकते हैं, तो निर्गुंडी की 4 से 5 पत्तियां सुबह खाली पेट चबाने से भी इसका लाभ होगा। ज्यादा जानकारी देते हुए वन क्षेत्राधिकारी मदन सिंह बिष्ट ने क्या कुछ जानकारी दी, आप भी सुनिए। देखिए, निर्गुंडी जिसको शिवाली श्याली लोकल भाषा में बोला गया है, वाइटस निर्गुंडू इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है। ये पौधा कई चीज़ों में काम करता है, खासतौर से नर्वस सिस्टम में लोग इसको झाड़ फूंक में भी काम लाते हैं। हम यूरिक एसिड की बात करते हैं क्योंकि यूरिक एसिड इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड में इसके 3 या 4 पत्तों का काढ़ा बना के सुबह शाम अगर पीते हैं तो ये यूरिक एसिड में बिल्कुल लाभ करता है। और इसका ज्वलंत उदाहरण अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक सज्जन का हमने कराया था, उसका यूरिक एसिड लगभग 15 के लगभग था, लेकिन 20 दिन लगातार करने के बाद वो 6-6.5 पे पहुँचा है। तो ये बिल्कुल एकदम रामबाण औषधि है यूरिक एसिड के लिए, और इसको आराम से लगाया जा सकता है घर पर। इसकी कटिंग भी लगती है, इसका पौधा भी लगता है। वन अनुसंधान केंद्र इसके पौधे तैयार करके भी वितरण के लिए लोग रखा हुआ है, तो इसको किसी भी स्तर पर आदमी घर पर लगा के यूज कर सकता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से लोकल 18 के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।